रिश्ता उस कटी पतंग की तरह है जिसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। दीदी वो चला गया कुसुम। क्या पापू को सब बता दिया उसने? अब जो भी बताना है मैं बताऊंगी। जानती हूं कि उन्हें बहुत तकलीफ होगी पर सच का सामना तो करना पड़ता है समय के साथ तकलीफ भी कम हो जाती है। ये सब तुम मुझे समझा रही हो या अपने आप को दीदी? तुम रोकती तो वो रुक जाता दीदी। किस अधिकार से रोकती? उसने कहा कि उसने यहाँ पर आकर गलती की तो क्यों रोकती? तुम्हें अब भी उम्मीद है ना दीदी कि वो वापस आएगा? लगी शर्त वो अब नहीं आएगा। आखिरी पल तक लग रहा था कि तुम मुझे रोक लोगे। बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने तुम्हें। मैं माफी मांगना चाहता था पर मांग नहीं पाया। माफ करने गलती भाई, घर पे मेहमान है ना इसलिए वक्त पर पैसे पहुंचा नहीं पाया। माफ तो मुझे कर दो विद्या भाई, मैंने खबर से घर में कोई नहीं जानता कि आपने घर गिरवी रखा है। पर क्या करूं, आज ही शहर जाना है मने को, इसलिए आना ही पड़ा। मान तो नहीं खानती भाई, बस गलती से भी इस बात का पता किसी को घर में न चले। भरोसा रखो विद्या भाई। अच्छा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कांति भाई को देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। जब ब्याह के पहली बार इस घर में आई थी हम दोनों ने साथ मिलकर थापे लगाए थे इस घर में और फिर इन्हीं हाथों से ये घर गिरवी रखना पड़ा। 25 साल हो गए गुमत के बापू, अब तक हम कर्जा नहीं चुका पाए हैं। ये भी तो सोच गुनियल, हमने लक्ष्मी नंदन के लिए कर्जा लिया था, वो आज भी हमारा है, बल्कि वो और पास आ गया है हमारे सरस और कुमुद के रिश्ते के बाद। यही तो जीवन की पूंजी होती है ना गुनियल। ये घर हमारे पुरखों का है, कुछ भी करके इसे छुड़ा लीजिए। जाने से पहले ये घर यश और उसकी बहू को सौंप जाएंगे। अरे हमारी गुनियल, ऐसा ही होगा, उस पर भरोसा है ना? Thank you.
बताऊंगी पापा को सब। अब सच छुपाने की कोई वजह नहीं। पता नहीं दीदी, पर मेरा दिल कहता है वो वापस आएगा। आज मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ कुसुम कि वो नहीं आएगा। कई बार दिल हमें झूठा दिलासा, झूठी उम्मीद देता है। मत भूलो दीदी, हमने जैसा सोचा था उससे कहीं अलग निकला था वो। हो सकता है इस बार भी चौंका दे हमें। फिर शर्त क्यों नहीं लगाई? ठीक है, लगी शर्त। वो वापस आएगा और हमेशा की तरह मैं ही जीतूंगी। इस बार नहीं कुसुम, इस बार नहीं। भाई साहब, ये बस कितनी देर में जाएगी? एक घंटे में आ जाएंगे भाई साहब। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई रेस्ट हाउस होगा? शो मेरा मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ी देर रुक सके। तो ऐसा बोलो ना भाई, वो सड़क के उस पार एक मंदिर है और वहीं पास में तुम्हें चाय नाश्ता भी मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि मेरे घमंड को ठेस पहुंची। मुझे लगा था कि पहले रिश्ता भेजकर, पहले रिश्ता ना कहकर, फिर ना कहकर माँ बापू का अपमान किया है, का अपमान किया है। तुमसे और तुम्हारे परिवार से माफी मांगने आया हूं, पर तुमने क्या किया? तुम तो मुझे अपना चेहरा तक दिखाना नहीं चाहती, तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बहुत बड़ी भूल की है। और अब मैं ही तुमसे कह रही तुम जा सकते हो, हीरो बनना तो ऐसे डरना छोड़ दे। कुमुद दीदी ने बनाई है आपकी, और वो भी आपको देखने से पहले। जानते हैं कुमुद दीदी ने आपकी ये आंखें सपने में देखी थी, सिर्फ सॉरी बोले, घर पर पता चल गया कि ये गाड़ी लेकर मैं तुम लोगों के साथ पूरी रात बाहर था तो विद्या का कदम मुझे उल्टा लटका दिया।